रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की ओर से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवेदनों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में आज यहां प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की ओर से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत आवेदनों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री हरिकेश मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों और विशेष तौर पर युवाओं को नया व्यवसाय प्रारंभ करने में उनकी आर्थिक सहायता करना है। जिला स्तर पर इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केंद्र मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। आज की बैठक में कुल 46 मामले प्रायोजक एजेंसियों के माध्यम से विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए। इनमें से 29 मामले जिला उद्योग केंद्र तथा 17 मामले खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विभिन्न वित्तीय बैंकों को प्रेषित करने पर चर्चा की गई। इनमें सेवा मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, वर्कर्स, ब्यूटी पार्लर, साइबर कैफे, हेयर सैलून, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस वर्कशॉप, डीजे सिस्टम, मिठाई पेपर प्लेट्स एवं कप इंडस्ट्री, फर्नीचर, फैशन ब्यूटिक, टेलरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए आवेदन शामिल हैं। उपायुक्त ने उद्योग विभाग व खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ग्रामीण स्तर पर इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक युवाओं को उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र विजय चौधरी, अग्रणी जिला प्रबंधक PNB GC बट्टी सहित अग्रणी बैंक के अधिकारी व समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।